एक चीज मुझे समझ नहीं आई, टोयोटा आया अपनी लेक्सस को साथ लेके आया, टाटा अगर आया तो अपनी जैगुआर को क्यों नहीं साथ में लेके आया यार, समझ नहीं आई। एंड महिंद्रा तो है ही नहीं, ह्युंडई आई है, किया आई है। आई होप कि ह्युंडई अपनी जेनेसिस को भी जल्दी लॉन्च कर दे, जेनेसिस एंड सम मोर विंटेज कार्स, और देख लो भाई थोड़ी सी और। ये क्या इन्होंने कर दिया, कुछ भी आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट एम्बेसडर, हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर। एवरीथिंग इज सॉर्टेड आई थिंक सो। ये भैया आप अपनी वोल्वो की बसेस देख लीजिए, ये फ्यूचर ऑफ वोल्वो बसेस है, गैस पावर्ड। विच गैस, वेलकम टू हॉल 14। इधर टाटा मोटर्स एंड एमजी है, पहले एमजी से स्टार्ट कर रहे थे, टाटा से, टाटा ही ठीक है। एक टाटा ना हैरियर ईवी आई है, वो चेकअप करनी है, वो नहीं है। ये देखो, ये आई थिंक सो टाटा की है, एंड सीरा भी आपको दिखाऊंगा। अवन्या नहीं सर, ये अभी घूम नहीं रही है, तो आपको 360 वॉक अराउंड दिखा दूं। ये अभी कॉन्सेप्ट कार है, अभी प्रोडक्शन में भी नहीं है ये। एक बार ये आती है प्रोडक्शन में तो काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये लाइट्स नहीं मिलेगी, ये ग्रिल नहीं मिलेगी, एंड टाटा का एक न्यू लोगो शायद मोस्ट प्रोबेबली कमिंग सून कार्स में आपको दिख भी जाएगा। अवन्या टाटा की, ये है आई थिंक हैरियर, इसको बनता था वो, यस 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 यस, हैरियर ईवी। दिस इज हैरियर ईवी, सी दिस। अब बारकोड स्कैन करके हैरियर ईवी के बारे में जो भी आपको देखना होगा देख लेना, लेकिन इधर से देखने में पता लग रहा है 360 डिग्री कैमरा भी, फ्रंट एंड बैक पार्किंग सेंसर्स एंड आइस क्यूब हेडलाइट्स भी मिल जाएगी। एंड विड्थ तो देखो यार कितनी अच्छी है टायर की, ये देखो। एंड वो वाली पता नहीं कौन सी है, पूछ लेते हैं। ये है टाटा सियेरा, अगर आपको इसके बारे में भी जानना ये बार कोड स्कैन कर लेना। सियेरा आपको पता ही होगा बहुत पहले टाटा की आती थी, अब डिसकंटिन्यू हो गई थी बाद में, अब ये फिर से रीलॉन्च हो सकती है। अभी पिछले 2 साल से इसकी हाइप बनी हुई है कि टाटा सियेरा वापस आएगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये आ गई आपकी पंच सीएनजी, ये कैसे भूल गए भाई हम, टाटा की कर्व, द बेस्ट टाटा कर्व इज हियर विद आई थिंक कार्बन सिरेमिक हैंड ब्रेक्स हैं इसके, नहीं नॉर्मल ब्रेक्स हैं, कर्व है, टाटा कर्व। इसकी आपको फ्रंट लुक दिखाता हूँ एक बार, इसकी फ्रंट लुक का, एंड इसके बाद आपको मिलती है इसके साथ बैक लाइट्स। देखिए एक बार इसकी, वो देखिए, सी सो डैम गुड। ये आपकी आ गई है, तो भाई ये आ गई है अब अपना सीएनजी सेक्शन, जिसके अंदर टाटा पंच आईसीएनजी खड़ी है और टाटा एल्ट्रोस। पंच में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन एल्ट्रोस में बहुत कुछ खास है। इसके अंदर बहुत से चेंजेस हो गए हैं, जिसके अंदर अब आपको 6 एयरबैग्स विद सनरूफ, जी हाँ बिल्कुल सनरूफ भी अब इसके अंदर मिल गई है, जो कि पहले मॉडल्स में नहीं आती थी। एंड 2 फ्रीकिंग फुल साइज सीएनजी साइलेंडर्स,
मैं तो आउट ऑफ ब्रेथ हो रहा हूं। एंड इतने ज्यादा एंड फुल डिजिटल स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर यार, फुल ऑन लोडेड टाटा एल्टो। वेलकम टू मोरिस गैराज सिंस 1924 एंड दिस इज MG4। वाह, राइम होगी भाई। MG4 विद एडास फंक्शन एंड रेडार, वो आप देख ही रहे हो। फ्रंट पार्किंग सेंसर देख नहीं रहे, 360 डिग्री कैमरा मिल नहीं रहा। भाई वो तो लड़ने ही लग गए टोयोटा मेरे साथ। MG चेंज व्हाट यू कैन चेंज व्हाट यू कैन। हेक्टर फेस लिफ्ट, ये देखिए इसकी जो ग्रिल है ना, अब हेक्टर की जो इतनी मस्त है यार, विद 360 डिग्री कैमरा पहले होता था, लेकिन ये ग्रिल ने बहुत कुछ चेंजेस कर दिए। एंड मोस्ट गुड थिंग इज इसकी, पहले जो इसकी एक वो रहती थी, एक तो इसका रहता था स्क्रीन, टच स्क्रीन था जो जिसका एक सिंबल था कि हाँ गाड़ी अच्छी है, इट्स ह्यूमन थिंग, गाड़ी के पीछे लिखा भी हुआ। आपको इसकी स्क्रीन दिखाता हूँ, अगर मुझे इधर से देखा जाए वो देखिए, स्क्रीन पहले से और बड़ी हो गई है, गाड़ी बड़ी होगी, बच्चा बड़ा हो गया है भाई। अब आते हैं MG की इलेक्ट्रिक, ये है आपकी ZSEV, जो कि मेरे ख्याल से आपके अपने यूट्यूबर भाई डॉक्टर्स ड्राइव के पास भी है। ये MG का पूरा हाइब्रिड वर्जन, हाइब्रिड है एंड ये हेक्टर एडास फंक्शन के साथ, ये देखिए वो देखिए। अरे भैया रिचार्ज योरसेल्फ, प्लग इन हाइब्रिड ऑटोमोस लेवल 1। बल्कि MG ने अपने हर एक को प्रॉपर ऐसे तरीके से हाईलाइट किया हुआ कि हमें बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि हाँ हम कौन सी साइड पे जा रहे हैं, कौन सी साइड पे नहीं। अब ये देखिए MG की 5, MG5 फुल इलेक्ट्रिक। ये देखिए ये है अपनी MG5, स्पेशियस है, फुली टच स्क्रीन। इसकी बूट ओपन करके देखते हैं अगर हो जाए तो। पावर टेलगेट नहीं है बट सफिशियंट बूट स्पेस है विद चार्जर। साथ ही साथ MG ने कॉटन कैंडी भी लगाई है भाई, जिसको खाना खाओ बैठ के, जिसको लेके जा रहे हैं अपने। ये देखिए MG EHS, ये प्रॉपर नॉक्ड आउट यूनिट नहीं है, ये है मार्वल आर, ये प्रॉपर बाहर से यूनिट इंपोर्ट हुआ यहाँ पे, ये इंडिया का नहीं है यूनिट, क्योंकि इसकी जो ड्राइव है लेफ्ट हैंड ड्राइव है, राइट हैंड नहीं है। ये देखिए मेरे ख्याल से एवेंजर्स से बनी, मार्वल पता नहीं क्या है, मार्वल आर है इस गाड़ी का नाम। ये देखिए साथ में ही बॉर्न इन UK, जो लोगों ने इसको चाइनीज चाइनीज कह के खराब किया ना, इन्होंने कहा कि भाई हम UK गए हैं, समझ रहे हो। ये मॉरिस गैराज की ही विंटेज कार है, मैक्सिम कार्स हैं जो इस टाइम पे यहाँ पे जितनी भी कंपनी है उन्होंने सबने अपना फोकस EV पे रखा हुआ है ज़्यादातर। एंड मैक्सिम जो भी आपने मेरी व्लॉग में गाड़ियाँ में देखी होगी, सारी की सारी EV में ही होंगी। ये ES6 है, ये भी मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर में लॉन्च हो जाएगी। ये देखिए
इंटीरियर आपको एक बार आइडिया करवाते हैं। सी दिस, जैसे क्या देते हैं, फुल टच स्क्रीन ऑटोमेटिक, प्लग इन चार्ज, हाइब्रिड, पेट्रोल और हाइब्रिड में प्लग इन करके भी चार्ज कर सकते हो एंड इंजन से भी चार्ज कर सकते हो। वो लिखा हुआ है ना, सिक्स वेज ऑफ चार्जिंग, इनमें से एक चार्जिंग है ये, एंड साथ ही साथ ये ईवी बेस्ड मॉडल है। आपको दिखा देते हैं, ओबीसी, ईडीयू, पीडीयू, एचवी बैटरी पैक, ईवी बैटरी रिसाइकलिंग वहाँ से, एंड ERX5, ये भी कंप्लीट नॉकआउट यूनिट है। पता नहीं नॉकआउट यूनिट बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता यार, तुम करेक्ट कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ये है आपका, ये भी आपका फुल्ली कम्प्लीटली बाहर से इंपोर्ट हुआ यूनिट, सिर्फ और सिर्फ एक्सपो में आने के लिए, क्योंकि इसकी भी ड्राइव उधर की साइड है। PHEV बल्कि पेट्रोल प्लस हाइब्रिड, आप दोनों प्लग इन करके भी चार्ज हो सकता है एंड इंजन से भी चार्ज हो जाएगा, SAIC विजन, और बिना टाइम वेस्ट के, क्योंकि बैटरी भी लो होने वाली है। ये देखिए द नेक्स्ट जन हेक्टर, ये आपको 360 व्यू दिखा देता हूँ इस गाड़ी का। फ्रंट पार्किंग सेंसर विद रडार एडास सिस्टम के साथ आएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये आ गई बैक विद एडास। ये है EMG6 विद एडास फंक्शन, यस एडास फंक्शन के साथ ही आती होगी, अभी पता लग जाएगा। यस विद एडास फंक्शन, ये भी बाहर से इंपोर्ट हुआ यूनिट स्पेशली फॉर ऑटो एक्सपो। ये इंडियन का, इंडियन मेड नहीं है ना, इंडियन रोड्स के, इंडियन के फैसिलिटी के हिसाब से बना हुआ है। लेफ्ट हैंड ड्राइव है, फुली एक्स पावर ट्रेन सिस्टम है, PHEV है, प्लग इन एंड चार्ज भी कर सकते हो पेट्रोल बैटरी के साथ, पेट्रोल इंजन के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। एंड ये आ गई आपकी एक और बॉक्सी कार, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ना अलग सिस्टम है। ये देखिए, इसको अगर मैं ट्राई करूँ इसकी, ये देखिए इसके अंदर पीछे ड्यूल कैमरा, थ्री कैमराज आते हैं मेरे ख्याल से, सेंसर्स होंगे, वाइड एंगल, मिड एंगल कुछ तो होगा इसका। एक बार इसको खोल के देखते हैं। इलेक्ट्रिक टेलगेट है, MIFA 9 मॉडल है। एंड ऐसे ही ये ऐसे ही इसके साथ ये बंद हो जाएगा। बूट्स पे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बट अगर आप इनको आगे तक शिफ्ट करें, क्योंकि ये आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकते हैं, एंड उसके साथ काफ़ी लेदर की स्पेस भी बढ़ सकती है। यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप करके आपका वो पावर सॉकेट है सीट एडजस्ट करने के लिए, एंड यहीं से आप बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए MIFA 9, एंड साथ के साथ आप देख सकते हैं ये भी फुल, ये भी बाहर का ही यूनिट है, प्योरली वो इंडियन एक्सपो के लिए आया हुआ, ऑटो एक्सपो के लिए। फुल डिजिटल डिस्प्ले है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, एंड VIP सीट्स हैं, एंड आप देख सकते हैं क्या, बल्कि कितने हैं, R19 व्हील्स हैं, लेकिन इतने मैसिव लग रहे हैं यार, बढ़िया। इसकी एक बार फ्रंट लुक भी देखते हैं, 0.5, बढ़िया यार फ्रंट लुक भी, कुछ ऐसी वो नहीं कम कह सकते। ये फुल इलेक्ट्रिक है, फुली इलेक्ट्रिक यूनिट है ये। एंड उसके बाद आया था अपने पास ये फ्यूल सेल सिस्टम वाली गाड़ी, यूनिक 7,
ईयूनिक 7, ये भी बेस्ट इन क्लास है, बॉक्सी कार विद वीआईपी सीट्स एंड डिजिटल डिस्प्ले, पावर टेलगेट के साथ आएगा, फ्यूल सेल हाइड्रोजन सेल है, फ्यूल सेल हाइड्रोजन। स्पेसिफिकेशन भी आप ये देख सकते हैं, पॉज कर लेना। जिसकी फुल मेड है बॉडी, आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि ऐसे साइलेंडर्स होंगे इसके अंदर, जिसके अंदर ये फ्यूल हाइड्रोजन फ्यूल जो भी सेल है इसके अंदर फिल की जाएगी और इसी से इंजन को पावर देगा, पावर बैटरी है। अब ये देखिए EMG6, ये मर्सिडीज टाइप लगती है बैग से, मर्सिडीज कह रहा हूँ BMW टाइप, लेकिन ये नहीं है, MG है, एक्स पावर EMG6 विद क्वाड एग्जॉस्ट। ये इंडियन यूनिट नहीं है यार, इतनी अच्छी गाड़ी, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए ना इंडिया में तो मज़ा भी आए। ईवी थोड़ा ना है, ईवी नहीं है, सॉरी गाइस, सर ने डिस्टर्ब कर दिया था, उनको थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे के आया हूँ। एंड ये है EMG6, ये है आई थिंक मैं दिखा चुका हूँ, PHEV पेट्रोल एंड हाइब्रिड। ये प्लग इन चार्ज एंड इंजन चार्ज हो सकेगा बड़े आराम से। हाँ जी भाइयों, अभी जस्ट 12 बजे हैं, मैं घर पे पहुंचा हूँ। देख लो भैया, आपके लिए कितनी मेहनत चल रही है, ठीक है ना। मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ऋषभ बोल रहा हूँ, और मैंने देखा कि मैंने वीडियो अपलोड की और आप में से किसी ने ज़्यादा लाइक भी नहीं किया, ना शेयर किए हैं, ना सब्सक्राइब किए। एंड भाई कर लो यार, बहुत मेहनत लगी है। एंड व्लॉग एंड पास्ट वाला ऋषभ भी करेगा, हेलो पास्ट वाले ऋषभ, व्लॉग एंड कर दे भाई, ठीक है, चलो पास्ट वाले ऋषभ से मिलो जाके। गाइस इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग ऑटो एक्सपो का यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको ये सारी मेरी बताई हुई चीज़ें और दिखाई हुई चीज़ें पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड पीस।